थाना हनुमानताल क्षेत्र अंतर्गत भानतलैया चौक स्थित त्रिमूर्ति मंदिर के पास में कार ने वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में वृद्ध और उसके बेटे को गंभीर चोट आई है। घटना तकरीबन शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच की होनी बताई जा रही है। पीड़ित व्यक्ति मुकेश अहिरवार जो बाबा टोला में रहता है। मुकेश अहिरवार होटल मनमोहन डिलाइट टॉकीज के सामने से होकर मां के साथ आ रहा था और बताया जा रहा है कि उसी की मां होटल मनमोहन में कार्यरत है, जो रोज के तरह अपने बेटे के साथ गाड़ी पर आ रही थी। भानतलैया चौक स्थित त्रिमूर्ति मंदिर के पास कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। एक्सीडेंट होने से मुकेश अहिरवार के हाथ और पैर में गंभीर चोट आई है और उनकी मां को हाथ और शरीर के विभिन्न जगहों पर मामूली चोट आई है। एक्सीडेंट की सूचना थाना हनुमानताल में दी गई। पुलिस ने एक्सीडेंट का मामला कायम कर लिया है और जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है उसे पकड़कर पूछताछ की जा रही है एवं जिसका एक्सीडेंट हुआ है उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल विक्टोरिया भेज दिया गया है, जहां पर जिला अस्पताल विक्टोरिया में पीड़ित व्यक्ति मुकेश और उनकी मां का उपचार हेतु उन्हें भर्ती कराया गया है। मैं मम्मी को लेने मनमोहन होटल गया था तो मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं वहाँ से लौट रहा था तो भानतलैया त्रिमूर्ति चौक के पास पीछे से एक कार वाले ने मुझको टक्कर मारी, जो कि मेरे मम्मी भी गिर गई, मैं भी गिर गया, बहुत आगे तक गाड़ी घसीटते हुए गई और वहाँ पर 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे, वो आए और एक कार में पुलिस वाले बैठ गए और एक पुलिस वाला हम लोग से बहस करने लगा। बहस करते करते बोलते तुम लोग थाने पहुँचो, कार पीछे से आ रही है। तो कार वाले को वहाँ पुलिस वाले दोनों पुलिस वाले कार को लेके भग गए और हम लोग थाने आ गए। तो पता चला बाद में थाने पहुँचने के बाद कि पुलिस वाले कार को भगा दिए। कितनी देर की घटना हुई, कितने कहाँ पर? करीब सर 1.5 घंटा हो गए, 1 से 1.5-2 घंटा हो गया। नहीं, टाइम क्या होगा? 7:30 के लगभग आस पास। कार का नंबर बताएं। ये आपने नंबर नोट किया? MP20GG9266। तो आपने संबंधित थाना क्षेत्र में सूचना दी इसकी? जी सर, हम लोग रिपोर्ट करके आए हैं, मम्मी को ले जाके मैं भी गया था। किस थाना पर? जी हनुमानताल थाना क्षेत्र में मैं रिपोर्ट करके आया। क्या क्या कहना है इस संबंध में हनुमानताल में? जी वो कुछ नहीं कह रहे, वो बोले कि लेके आओ और लौट कर आपको वो दी जाएगी पावती एक्सीडेंट। आपका नाम? जी मुकेश अहिरवार। कहाँ रहते? जी बाबा टोला पूरी मोहल्ला जानकीदास मंदिर के पास। मम्मी और मेरे भैया मनमोहन होटल से काम से लेके चले आ रहे थे। मेरी मम्मी की अचानक तबीयत खराब होने के कारण भैया लेके आ रहा था, फिर वहाँ से आते समय भानतलैया त्रिमूर्ति चौक पे एक अज्ञात कार ने मेरे भाई की कार गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे मेरी मम्मी और मेरे भाई काफ़ी दूर तक गिर पड़े। वहाँ पे 2 पुलिसकर्मी बैठे हुए थे, अज्ञात उनको बुलाया गया, वो आए और कार में हम लोग बोले कि भाई इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाए। तो पुलिस वाले हमसे हमारी मम्मी से हम लोग से बहस करने लगे कि अरे हम लोग कार लेके आ रहे हैं, तो एक काम करिए आप लोग चलिए थाने। हम लोग बोल भी रहे थे कि नहीं, कार जब ये है तो इसमें साथ में लेके चलते, तो बोलते नहीं हमारा पुलिसकर्मी इसमें बैठा हुआ है, आप लोग चलिए हम लोग कार लेके आ रहे हैं। तो ये बोलते हुए वो ज़बरदस्ती हम लोग को थाने भेज दिया गया ऑटो में बैठा के। हम लोग कैसे तैसे पेशेंट को लेके ऑटो में लेके वहाँ पे गएंगे और इसी कारण वो पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई करी कि वो कार को फरार कर दिया गया। अब हम हमारे भाई है जो दोनों पैर में उसको लग गया, हमारी माता को भी लग गया, वो अस्पताल में पड़े हैंगे। हम उस पुलिस कर्मियों के खिलाफ और उस कार वाले के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। आपने वहाँ थाने में इसकी सूचना दी? हमने हनुमानताल थाने में इसकी सूचना दी है कि, और सूचना देने के बाद हनुमानताल थाने वालों को भी ये बताया कि वो पुलिसकर्मी उस कार में बैठे हुए थे और यहाँ लाने की मांग कर रहे थे, हम लोग से मुचौदी और बहस कर रहे थे, लेकिन वो पुलिसकर्मियों ने बोला कि ठीक है आप जाइए हनुमानताल। अभी आपकी माता राम और भैया किस हॉस्पिटल में? अभी हमारी माता राम और हमारे भाई विक्टोरिया हॉस्पिटल में है इलाज के लिए। हनुमानताल थाना पुलिस का क्या कहना है? हनुमानताल थाने का पुलिस वालों का ये कहना कि आप जाइए इलाज करवाइए, फिर हम आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कार वाले और जो पुलिसकर्मी थे जिनसे हमने मदद की गुहार लगाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपकी माता राम को और आपके भाई को कहाँ कहाँ पर चोट आई? हमारी माता राम को हाथ में, कमर में, पैर में, और हमारे भाई को तो पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है जी, 2 जगह, और कमर पूरा पैर काम ही नहीं कर रहा है और कमर में भी बहुत ज़्यादा हालत गंभीर है जी। क्या जिस कार ने आप एक्सीडेंट किया आपके भाई का, माता राम का, क्या आप वो कार का नंबर हमें नोट किया? हाँ, जिस कार ने एक्सीडेंट किया हम उसका नंबर बता सकते हैं। उसका कार का नंबर है MP20
थे, MP 20 CG 9266। तो क्या इस कार ड्राइवर जो जिसने एक्सीडेंट करके भागा है तो क्या वो पकड़ चुका है या? जी नहीं, इसको पुलिस वालों ने भगा दिया गया हैगा। ये कार वहीं पे मौजूद थी, 15 मिनट खड़ी भी थी, हम लोग बोली भी रहे थे कि इस कार में हम लोग को लेके चलो, लेकिन वहाँ के पुलिस कर्मियों ने जो वहाँ तैनात थे, हमको नाम तो नहीं मालूम, उनने भगा दिए। बल्कि आप वहाँ कैमरे में देखा जाएगा तो वो पुलिस कर्मी आप उसमें दिख जाएंगे कि जो भी थे। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारे भाई और हमारी माँ को ट्रीटमेंट दिया जाए और उनको पूरा इलाज किया जाए, जो भी उनका रोजाना का हर। मैं मम्मी को लेने मनमोहन होटल गया था, तो मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो वहाँ से लौट रहा था तो भान तलिया त्रिमूर्ति चौक के पास पीछे से एक कार वाले ने मुझको टक्कर मारी, जो कि मेरे मम्मी भी गिर गई, मैं भी गिर गया, बहुत आगे तक गाड़ी घसीटते हुए गई। और वहाँ पर दो पुलिस वाले बैठे हुए थे, वो आए और एक कार में पुलिस वाले बैठ गए और एक पुलिस वाला हम लोग से बहस करने लगा। बहस करते करते बोलते तुम लोग थाने पहुँचो, कार पीछे से आ रही है। तो कार वाले को वहाँ पुलिस वाले, दोनों पुलिस वाले कार को लेके भग गए और हम लोग थाने आ गए। तो पता चला बाद में थाने पहुँचने के बाद कि पुलिस वाले कार को भगा दिए। कितनी देर की घटना हुई, कितने कहाँ पर? करीब सर 1.5 घंटा हो गए, 1 से 1.5-2 घंटा हो गया। नहीं, टाइम क्या होगा? 7:30 के लगभग आसपास। कार का नंबर बताएं। ये आपने नंबर नोट, MP 20 CG 9266। तो आपने संबंधित थाना क्षेत्र में सूचना दी इसकी? जी सर, हम लोग रिपोर्ट करके आए हैं, मम्मी को ले जाके मैं भी गया था। किस थाना पर? जी हनुमान ताल थाना क्षेत्र में मैं रिपोर्ट करके आया। क्या क्या कहना है इस संबंध में हनुमान ताल में? जी वो कुछ नहीं कह रहे अभी, वो बोले कि लेके आओ अरे कि लौट कर आपको वो दी जाएगी पावती एक्सीडेंट। आपका नाम? जी मुकेश। कहाँ रहते? जी बाबा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।